जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे ITAP हेड कांस्टेबल के एडमिट कार्ड के बारे में कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपके फिजिकल कब से शुरू होने वाले हैं और आपका फिजिकल में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी ITAP हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एडमिट कार्ड नहीं आया है। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखने को मिल रहे हैं जिसमें दोस्तों आप सभी से बता रहे हैं किसके एडमिट कार्ड आ गए हैं या फला डेट बता रहे हैं, यानी कि कोई कन्फर्म डेट बता रहे हैं कि उस डेट से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि अभी एडमिट कार्ड भी नहीं आया है, ना ही इसके अभी फिजिकल की कोई डेट फिक्स की गई है। तो यदि आपको कोई सोशल मीडिया पर जानकारी मिलती है तो वो बिल्कुल फेक है, आप किसी के भी भरोसा मत रखिए, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो कभी भी आ सकते हैं, करीब 1 से 2 मंथ के अंदर दोस्तों इसके जो एडमिट कार्ड है वो कभी भी आ सकते हैं, इसलिए आप जो है अपनी तैयारी शुरू रखिए। इसकी अभी कोई भी डेट फिक्स नहीं है, एक चांस है कि 1-2 मंथ के अंदर आप सभी के जो एडमिट कार्ड है वो आ सकते हैं, क्योंकि अभी ITBP में 181 पोस्ट के और 105 पोस्ट के और शायद 52 पोस्ट टेलीकॉम की थी उसके, इन सभी पोस्टों के दोस्तों एडमिट कार्ड आ गए हैं। तो ऐसा मानना है कि सभी का कि आपके जो एडमिट कार्ड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के वो 1-2 मंथ के अंदर आ सकते हैं। बाकी मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी तैयारी शुरू कर दीजिए। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में क्या क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता दूँ कि फिजिकल में तो सबसे पहले दोस्तों आपकी रनिंग होगी। रनिंग जो होगी दोस्तों मेल कैंडिडेट की वो 1600 मीटर रनिंग होगी। 1600 मीटर रनिंग के लिए आपको 7:30 की टाइमिंग जाएगी। और फीमेल कैंडिडेट की जो रनिंग होगी वो आपकी 800 मीटर रनिंग होगी। 800 मीटर रनिंग के लिए आपको 4:45 की टाइमिंग दी जाएगी, 4:45। उसके बाद में हाई जंप और लॉन्ग जंप होता है। मेल कैंडिडेट का जो हाई जंप होता है वो 9 फीट का होता है, 9.5 फीट का, सॉरी 11 फीट का, 9.5 फीट का जो होता है वो 9 फीट का वो आपका फीमेल कैंडिडेट का होता है। जो मेल कैंडिडेट का लॉन्ग जंप होता है वो 11 फीट का होता है और जो हाई जंप होता है वो 3.5 फीट का होता है। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का जो लॉन्ग जंप होता है वो 9 फीट का और हाई जंप 3 फीट का होता है। इस तरीके से ये जंप का प्रोसेस रहता है। उसके बाद में जो कैंडिडेट रनिंग क्वालिफाई होते हैं जंप होता है, जंप के बाद जो इस जंप में भी क्वालिफाई हो जाते हैं उनका हाइट वेट चेस्ट मापा जाता है। हाइट इसमें पोस्ट के अकॉर्डिंग सभी में अलग अलग मांगी गई है। जैसे कि दोस्तों आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 1.65 सेंटीमीटर है नॉर्मल क्षेत्र से, ST कैंडिडेट की जो हाइट है वो 1.65 सेंटीमीटर है, फीमेल की शायद 1.57 सेंटीमीटर हाइट है। इसी तरीके से सभी कैटेगरी वाइज जो हाइट मांगी गई है वो सभी में अलग अलग मांगी गई है। नॉर्मल क्षेत्र से मैंने आपको बताई दी 1.65 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। और बाकी यदि आपको कोई डाउट हो फिजिकल को लेकर तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप सभी से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी के जो एडमिट कार्ड है वो 1 से 2 मंथ के अंदर आ जाएंगे, तो आप सभी अपनी तैयारी जो है जारी रखिए, रनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए और लॉन्ग जंप हाई जंप की भी प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर ही आपको हमारा जो है व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, बाकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।